हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द कॉलम्स। बेटा कॉलम वन है, इसमें क्या दे रखी है बेटा? हमें कुछ कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे रखी है, कॉलम टू बेटा इनके नाम दे रखे हैं। वैसे हम ये बताना है बेटा। तो एक्चुअली देखिए बेटा, जब हम अमोनिया के एडिशन करवाते हैं, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के एडिशन करवाते हैं, ठीक है, कार्बन कंपाउंड के साथ, तब बेटा हमें ऐसे ओजाइन, सेमी कार्बोजन, इमाइन और हाइड्रोजन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअली में जो नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल होता है ना बेटा, जैसे मेरा अमोनिया हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अमोनिया क्या होगा बेटा? मेरा NH3, और इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं NH2Z, है ना, ये मेरा इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा, कार्बन ग्रुप के क्या करते हैं, एडिशन शो करते हैं। तो ये रिएक्शन जो होती है बेटा, ये रिवर्सिबल होती है और कैटलिस्ट होती है बाय द एसिड, ध्यान रखना है। जो इक्विलिब्रियम फेवर करता है बेटा, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर करता है ड्यू टू द रैपिड डिहाइड्रेशन होता है बेटा, टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट का, जिससे जो नेट रिजल्ट मिलता है बेटा हमारा, जैसे ये कार्बन कंपाउंड था बेटा हमारा, जो हमारा मैंने क्या करा दिया बेटा, अमोनिया, फिर उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन करवा दी। यहाँ पे जेड अगर हाइड्रोजन हो गया तो अमोनिया हो जाएगा, अदरवाइज उसका डेरिवेटिव बेटा। और हमें क्या बनेगा बेटा फाइनली, यहाँ सी डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा सी डबल बॉन्ड एन के साथ जेड लगता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअली में आपको ना ऐसे दिखाना चाहिए इसको, ठीक है, सी डबल, हाँ सही है, सी डबल एन के साथ जेड बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन टेक प्लेस करती है। मान लीजिए मैं अगर मैं अमाइन ले लेता हूँ RNH2, ठीक है, अमाइन ले लेता हूँ तो बेटा इमाइन बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजाइन लेता हूँ तो बेटा हाइड्रोजोन बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं होता क्या क्या। जैसे मान लीजिए मुझे अब ये पहला ग्रुप की बात करूं, तो ये कैसे बना होगा बेटा, जब हमारा यहाँ पे अमोनिया ही होगा ना, क्योंकि एक्चुअली फाइनली हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ले लूं यहाँ पे और यहाँ पे अमोनिया ही लिखूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सी डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा NH2 था, H2 निकल गया बाहर, यहाँ पे H2 और O1 बाहर निकाल दो, सी डबल बॉन्ड एन H आ जाएगा, ठीक है। तो ये R ग्रुप और R ग्रुप, ये कब आया बेटा, जब मैंने अमोनिया लिया, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको इमाइन बोला जाता है। तो ए का तो कंफर्म हो गया बेटा, R होगा। अब बात करें डबल बॉन्ड NOH लगा हुआ है ना, तो डबल बॉन्ड NOH कब लिखा लगा होगा बेटा, देखिए ध्यान से, ये C डबल बॉन्ड ये हो गया बेटा, तो ये लगा होगा बेटा जब मेरा यहाँ पे नाइट्रोजन NH2 यहाँ पे OH होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या बनेगा बेटा, C डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है बेटा बताइए, इसको बोला जाता है बेटा मेरा हाइड्रो, इसको सॉरी, इसको क्या बोला जाएगा बेटा, इसको बोला जाता है बेटा मेरा ऑक्साइन। तो बी का हो गया बेटा पी, ठीक है। ये है सी डबल बॉन्ड NNH2, ये कब लगा होगा बेटा, देखिए जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करी होगी, यहाँ पे आया होगा बेटा मेरा NH2 हाइड्रोजाइन, ठीक है। हाइड्रोजन आएगा तो बेटा क्या बना होगा मेरा बेटा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड NNH2, ठीक है। तो ये क्या बना होगा बेटा मेरा, हाइड्रोजाइन बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी का सॉरी ये हाइड्रोजाइन है और इससे बना क्या बेटा, हाइड्रोजोन बना, तो सी का क्या आ जाएगा बेटा मेरा एस आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बेटा देखिए, इस ये है बेटा मेरा, हमारा एडिशन हुआ है किसका बेटा, सेमी कार्बोजाइड का, ठीक है। तो कैसे, सेमी कार्बोजाइड से क्या बनता है बेटा, सेमी कार्बोजोन बनता है। तो सी डबल बॉन्ड ओ एन, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा NH2, यहाँ पे आ जाएगा NHCONH2, ठीक है। तो ये क्या बेटा, सेमी कार्बोजोन है, सेमी कार्बोजाइड है, सॉरी सेमी कार्बोजाइड है, सेमी कार्बोजोन बनता है। तो ठीक है, जो ये लोन पेयर है ना बेटा हमारा, ठीक है, जो ये लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन दिस नाइट्रोजन, ठीक है, एंड लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन, ये तो होते हैं बेटा हमारे किसमें, रेजोनेंस में बीजी, ठीक है। और इसलिए कौन सा नाइट्रोजन एक्ट करता है बेटा, ये वाला नाइट्रोजन अटैक करता है, और यहाँ पे क्या बनता है, सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे आ जाएगा NHCONH2, है ना। तो ये क्या बेटा मेरा, सेमी कार्बोजोन। इसका क्या आ जाएगा, डी का क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो मतलब ए का आर, बी का पी, सी का एस, डी का क्यू। ए का आर कहाँ दिख रखा है बेटा, एक आर दे रखा है मेरे को ऑप्शन नंबर 2 और 3 में, तो वन ऑफ 4 करेक्ट हो गए। बी का क्या आएगा बेटा, पी, बी का पी हमारा केवल ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये भी करेक्ट हो गया। सी का एस, डी का हैंस, ऑप्शन नंबर 2 इज ओनली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।